हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम ग्लूटेन फ्री, डायबिटिक फ्रेंडली और वेट लॉस के लिए फायदेमंद ज्वारी के अप्पे यानी मिलेट अप्पे बना रहे हैं, जो समर्स के लिए परफेक्ट है, एज ज्वारी की तासीर ठंडी होती है। ना ही दही या इनो यूज किए हैं, फिर भी सॉफ्ट और फ्लफी हुए हैं। चलिए देखिए हमने इसे कैसे बनाए हैं। फ्रेंड्स, ज्वारी अप्पे बनाने के लिए हमने एक कप ज्वारी का आटा लिए है और आधा कप इसमें रवा को ऐड कर देना है। इसके बाद हमने कुछ इधर वेजेस ऐड किए हैं, एज इस तरीके से हम बच्चों को खिला सकते हैं। एक शिमला मिर्च को फाइनली चॉप किया है, एक गाजर को ग्रेट किया है, एक अनियन को फाइनली चॉप किया है और एक मुट्ठी धनिया पत्ती हमने बारीक चॉप किए है। दो हरी मिर्चियों, एक इंच का अदरक का पीस को हमने अच्छे से क्रश करके लिए है। फ्रेशली क्रश करोगे तो उसके फ्लेवर्स बहुत ही बढ़िया आ जाते हैं। ये सब इसमें ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और एक टेबलस्पून हमने इधर तिल लिए हैं। तिल बहुत ही इसमें सीथ हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, इससे फ्लेवर्स और क्रंच भी बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके ले लेना है। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, हमें थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करना है। एक साथ एकदम पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके ले लीजिए। हमें एकदम थिक भी नहीं रखना है और एकदम पतला भी नहीं रखना है, हमें मीडियम कंसिस्टेंसी में बैटर में इसे बना के ले लेना है। तो इस तरीके से हमें टोटल इसमें नियरली 1 कप पानी इसमें लग गया था, 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें लग गया था। इस पानी से हमें अच्छे से मिक्स करके इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें बना देना है। फ्रेंड्स, अब इसमें हमने ना ही दही यूज़ किया है और ना ही इनो, फिर भी हमारे अप्पे फ्लफी बनेंगे, एज हमने यहाँ पर 1 चम्मच एकदम गरम कड़कता हुआ ऑयल इसमें ऐड कर दिए है। इस गरम कड़कते हुए तेल से ये अप्पे हमारे एकदम अंदर से सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। तो चलिए, अब बैटर रेडी हो गया है तो 10 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं और फिर अप्पे बनाने के लिए ले लेते हैं। 10 मिनट रेस्ट के बाद हमने फ्लेम ऑन किए, पैन को रखा। जब पैन अच्छे से गर्म हो गया था तो उसमें हर कैविटी में ऑयल थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिए। सब कैविटीज़ में ऑयल ऐड करने के बाद हमने थोड़े थोड़े से तिल इसमें ऐड कर दिए। एज जब अप्पे बन जाते हैं तो तिल जो ऊपर रहते हैं उससे हमारे अप्पे बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं और टेस्ट और क्रंच तो आता ही है। और अब हम हर कैविटी में इसमें अप्पे का बैटर है वो हमें भर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि बीच वाले जो कैविटीज़ है उसमें लास्ट में हमें भरना है, एज बीच वाले कैविटीज़ को डायरेक्ट हीट मिलती है। साइड साइड के जितने कैविटीज़ है उसमें हमें पहले भर देना है। अब इसे मीडियम फ्लेम करके उसके ऊपर लिड लगा के हमें नियरली 6 to 7 मिनट्स के लिए रख देना है। 6 to 7 मिनट्स के बाद फ्रेंड्स, एक साइड की हमारे अप्पे एकदम अच्छे से बन गए थे। देखिए, बेहतरीन कलर उस पर आ गया है। और दूसरी साइड हमें टर्न करके, फ्लिप करके दूसरी साइड बनाने के लिए हमें रख देना है। सेकेंड साइड को बनने के लिए टाइम नहीं लगता, एज ये नियरली 60-70% ये बन गए होते हैं। तो सेकेंड साइड के लिए नियरली सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट के बाद ये पूरे रेडी हो जाते हैं सर्विंग के लिए। फ्रेंड्स, ये आपको ज़रूर बना के खिलाना चाहिए, बच्चे छोटे बड़े सब खा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ। देखिए, दोनों साइड बहुत ही अच्छे से बन गए हैं, उसकी दूसरी साइड भी पूरी पकी हुई, एकदम टेस्टी और बहुत ही जायकेदार। छोटे बड़े सब खा सकते हैं, समर स्पेशल है और डायबिटिक फ्रेंडली है, ग्लूटेन फ्री है और ये वेट लॉस के लिए भी फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी तरह हम मिलेंगे दोबारा एक बहुत ही अच्छे रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।